नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 10 सुपर फास्ट खबरों का। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां बूथों की ओर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को 71 सीटों पर मतदान होना है, जहां इन सीटों पर कुल 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 114 महिला और 952 पुरुष हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर पटना एयरपोर्ट से सटे वेटनरी कॉलेज में 28 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा होनी है, जहां इस कारण लगभग 6 घंटे तक एयरपोर्ट रोड और आसपास की यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सिलाव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में बिहार ने अन्य राज्यों से बेहतर कार्य किया है और आगे भी हम जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। वहीं नालंदा के नूरसराय पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग समझा में झगड़ा पैदा करना चाह रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़िएगा, एकजुट रहेंगे तभी विकास होगा। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के एक दिन पहले नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का हमला अब और तेज कर दिया है, जहां इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं, बेटे की चाह में कई बेटियां हो गई, मतलब बेटियों पर कोई भरोसा नहीं है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे लोग बिहार का विकास क्या करेंगे। आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे परिवार पर टिप्पणी करके नीतीश कुमार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उनके 6 भाई बहन भी हैं। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि ऐसी भाषा का उपयोग करते हुए नीतीश कुमार ने महिलाओं और मेरी मां की भावनाओं का अपमान किया है। बिहार के चुनावी घमासान में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अब अपराध के आंकड़े पर नीतीश कुमार को घेरा है। सुरजेवाला ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश के राज में 2006 से 2019 के बीच महिलाओं के अपहरण में 733% और बच्चों के अपहरण में 8,697% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने नीतीश कुमार को अपराध कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को दुशील मोदी करार दिया है। पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भले ही प्रचार प्रसार थम गया हो, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। राजद नेता और महागठबंधन के सीएम प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने मंगलवार सुबह पीएम मोदी को निशाने पर लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी कल पटना में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिससे पहले तेजस्वी यादव ने पीएम से 11 सवाल पूछे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के मतदान से पूर्व जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता जाति आधारित गोलबंदी से बाहर निकलकर विकास का रास्ता अपना चुकी है। बिहार के भागलपुर में एक इंजीनियर को मामूली कहासुनी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, जहां पत्नी और बच्ची के साथ दशहरे की छुट्टी मनाने आए इंजीनियर को बिहार के थाने में पीट पीट कर हत्या करने की बात सामने आई है। शनिवार को हुई इस घटना में आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार को NH-31 को जाम कर दिया। पीड़ित परिवार ने बीहपुर थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें कि लोगों की नाराजगी को देखते हुए मामले को शांत करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने बीहपुर के थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में रैली से पहले मुजफ्फरपुर सेल्टर होम यौन उत्पीड़न कांड सृजन घोटाला सहित बिहार की स्थिति पर प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे और उनसे जवाब की उपेक्षा भी जताई है। उन्होंने नीतीश कुमार को एक कमजोर मुख्यमंत्री बताया और सवाल किया कि क्या बिहार को फिर ऐसा कमजोर सीएम चाहिए। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 10 सुपर फास्ट खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की तमाम फायदेमंद खबरों से और आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की पल पल की खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। नमस्कार।